हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लखनऊ रुचि ब्यूटी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो हर इंसान सोचता है कि मैं गोरा हो जाऊँ, मेरा कलर फेयर हो जाए। तो बस यही आज हमारा टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। गोरा होना सबकी इच्छा होती है कि मैं गोरा हो जाऊँ, अपना कलर फेयर कर लूँ। मेरी नजर में तो कोई गोरा काला नहीं है, मगर पहले लोग सोचते हैं कि मेरा कलर डाउन है या डार्क है, या मैं सांवली हूँ तो मेरी शादी नहीं होगी, या मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं सक्सेस नहीं कर सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अगर हाँ, आपकी स्किन इवन टोन है, पहला ग्लो करती है, ब्राइट है, दाग धब्बे नहीं है, तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ब्राइट ग्लो करती है, तो वो कुछ ऐसी बताऊंगी जिससे आप अपनी स्किन को और भी अच्छा कर सकते हैं और स्किन की ब्राइटनेस ग्लो अंदर से बढ़ा सकते हैं। अपने स्किन का कलर अपने एक शेड से दो शेड तक के अच्छा कर सकते हैं। बस मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपका डार्क कलर है तो आप बहुत ही गोरे हो जाओगे, एकदम वाइट हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल सोच बिल्कुल निकाल दीजिए। ऐसी कोई भी दवा नहीं आती है। हाँ, ये है कि अगर आपका कलर डार्क है तो उससे दो शेड या तीन शेड, हद से दो से या तीन शेड से अच्छे हो सकते हो, मतलब कलर फेयर हो सकता। फेयर क्या, आपकी स्किन में वो ब्राइटनेस आ जाती है कि आपको अपनी स्किन अच्छी लगने लगती है, वो अंदर से निखार आ जाता है कि आपकी स्किन का जो है कलर अच्छा लगने लगता है। आपको खुद आपका कलर वही होता है, बस उससे जो होती है, जो उसके अंदर की डर्ट होती है वो बाहर निकाल देती है, तो जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर जो होता है फेयर लगने लगता है। तो कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो आपके घर में ही है जिससे आपकी स्किन का कलर फेयर होगा, और आपको कहीं बाहर की टैबलेट्स या क्रीम या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानिए, केवल एक महीने जो मैं बता रही हूँ वो करके देखिए, आपका स्किन टोन फेयर होगा। चीज क्या है जो आपके घर में है जो आपका कलर को फेयर करती है? तो वो चीज है ग्लूथॉन की टैबलेटें आती हैं। बहुत से लोग ग्लूथॉन की टैबलेटें लेते हैं। हाँ, उससे कलर फेयर हो जाता है, मगर ये मान के चलिए अगर आपका कलर फेयर हो भी जाता है तो दो से तीन शेड फेयर होता है, यानी आपके स्किन टोन जैसे मान लीजिए है तो उससे दो शेड फेयर हो जाएगा, मगर कुछ महीनों के लिए, जैसे तीन महीने, चार महीने, छः महीने या मान लीजिए साल भर तक। और उस टैबलेट को आप ज़्यादा दिन तक के नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन तक लेंगे तो उससे आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट होगा। तो ऐसी क्रीम्स आती हैं जिसमें ग्लूथॉन होता है जो आपकी स्किन को वाइट और ब्राइट कर देता है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं मार्केट में, मगर आप, मेरी एडवाइस यही है कि आप नेचुरल चीज़ें लें जिसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना हो, आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आए। तो हो गया कि ग्लूथॉन हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, घर में कैसे मिलेगा? हाँ भाई, मिलेगा। देखो मैं बताती हूँ, पहला आपका है गाजर। अगर आप गाजर खाते हो, डेली दो से तीन गाजर खाते हो, तो उसमें भी ग्लूथॉन की मात्रा होती है, ठीक है। अगर आप उसका जूस निकाल के पीते हो तो उसमें भी ग्लूथॉन होता है, आप पी सकते हो। दूसरी चीज है आपकी चुकंदर, यानी बीटरूट भी आप खाओ तो उसमें भी ग्लूथॉन होता है, वो भी आपकी स्किन का शेड जो है बढ़ाएगा, आपकी जो स्किन है उससे दो शेड या एक शेड ऊपर ले जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप एकदम से गोरे हो जाओगे, नहीं। हाँ, ये भी होता है कि ग्लूथॉन लेने, ये सब चीज खाने से आपकी अंदर से स्किन ग्लो करेगी, आपको खुद फर्क नजर आएगा इन सब चीजों को खाने से। फिर पालक भी आप खा सकते हो। अगर आप पालक पसंद करते हो तो पालक को काटो, उसका सूप बनाओ या सब्जी बनाओ, मतलब एक चम्मच तेल में सब्जी बनाओ और उसको बना के खाओ, उससे भी आपकी स्किन होगा फेयर। दूसरी चीज है आपकी
ब्रोकली, ब्रोकली से भी आपका कलर फेयर होता है। और एक और चीज है एवोकाडो, एवोकाडो से भी आपका कलर फेयर होता है। एवोकाडो खाना चाहिए, उसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत अच्छी होती है और वो खासकर गर्ल्स के लिए एवोकाडो बहुत ही अच्छा होता है। वो स्किन, हेयर, नेल्स, आपकी हर चीज के लिए अच्छा होता है। तो एवोकाडो वैसे यहाँ बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है अपने इंडिया में, आपको मॉलों में मिल जाएगा, मैंने मॉल्स में देखा है, मैंने एक दो बार लेके भी आई हूँ। तो एवोकाडो आपको मॉल में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी ले सकते हो। उसमें एप्पल है, अनार है, ये चीज अपनी डाइट में लो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं गाजर, बीटरूट और पालक, स्पेनिश, इन तीनों को जूस बनाती हूँ और पी लेती हूँ। तो मैं एक गाजर लेती हूँ और एक छोटा सा बीटरूट लेती हूँ और स्पेनिश लेती हूँ। इन तीनों को क्या करती हूँ, इन तीनों को अच्छी तरह से धुल उल के काट के मैं जूस इन तीनों का निकाल लेती हूँ। निकाल के मैं उसमें आधा लेमन डाल देती हूँ, क्योंकि अगर आप ग्लूथॉन लेते हो तो उसमें विटामिन सी होना बहुत ही जरूरी है। बहुत से लोगों को एसिडिटी होती है तो आप अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो उसमें थोड़ा सा काला नमक और नींबू डालिए और जूस पीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कभी कभी घर में निकालती हूँ, कभी कभी मैं बाहर से भी पी लेती हूँ। जो लोग बाहर रहते हैं वो बाहर पी सकते हैं। हाँ, इसके बाद एक चीज का याद रखिएगा कि आपको एक घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, एक घंटे बाद कुछ नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप खाली पेट लेते हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो मैं तो ऐसा करती हूँ, या तो सुबह उठती हूँ वही नाश्ते से पहले मैं एक गिलास जूस ले लेती हूँ, नहीं तो मैं शाम को जो नाश्ते का टाइम होता है उससे उस समय जूस लेती हूँ। क्योंकि अगर आप उस समय लोगे तो उस समय आपको ना भूख लगती है ज़्यादा और आपकी पेट भी खाली ही रहता है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। वरना तो आप सुबह या शाम को किसी भी टाइम ले सकते हो, मगर मेरी मानिए तो आप खाली पेट लीजिए। एक घंटे पहले कुछ ना खाइए, एक घंटे बाद कुछ ना खाइए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। तो ये आपकी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा और वो अपना काम करेगा, पर विश्वास है तो एक महीना करके देखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपका कलर फेयर हो जाएगा, मगर आपका स्किन अंदर से ग्लो करेगी, आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है उससे वन शेड आगे बढ़ेगा और आपके चीक्स जो है रेडिश होंगे, आपकी मतलब कि हर सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी स्किन की। तो ये लेके देखिए, का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं क्या करती थी, जब छुट्टी होती थी तो मैं स्कूल से बाहर निकलती थी, तो मैं स्कूल के बाहर एक थोड़ी दूर पे एक जूस का कॉर्नर लगता था, तो मैं वहाँ जाती थी और मैं एक ग्लास जूस जरूर पीती थी। मेरी फ्रेंड्स भी पीती थी साथ में, मगर वो लोग मौसम्बी का जूस पीती थी, मगर मैं पालक, गाजर और चुकंदर का जूस पीती थी। मैं शुरू से चुकंदर, पालक, गाजर का जूस पीती थी। मैं चुकंदर, गाजर, पालक का जूस बहुत ही पसंद करती थी, उसमें अगर लेमन डाल लो, काला नमक डाल लो तो वाह क्या बात है, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता था। तो अगर आप अपने स्किन का कलर को फेयर करना चाहते हैं, अपने स्किन का शेड अप करना चाहते हैं, तो एक बार ये ट्राई करके जरूर देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगी। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।